सियासत, राजस्थान की सियासत भी इन रेल की पटरियों की तरह हो गई है। कभी यहाँ बेरोजगारों की ट्रेन आकर रुकती है तो कभी चिकित्सकों की, कभी किसानों की, तो राजनीतिक पार्टियों की भी ट्रेन यहाँ अक्सर गाहे बेगाहे रुकी जाती है। और आज एबीवीपी के छात्र नेता व कार्यकर्ता अपनी ट्रेन लाए और सीएम आवास की ओर उन्होंने कूच करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। और आपको बता दें कि सिर्फ जयपुर के ही नहीं, पूरे देश भर से एबीवीपी के नेता व कार्यकर्ता आज यहाँ पधारे थे। क्या कुछ उनकी मांगे रही, सीएम से वो क्यों मिलना चाह रहे थे, इस बारे में हमने एबीवीपी के राष्ट्रीय महामंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ला से की खास बातचीत, आइए आपको भी सुनाते हैं। जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर में हालात बने हुए हैं, हिंदुस्तान की सबसे भ्रष्ट सरकार राजस्थान की सरकार है। आज राजस्थान के नौजवानों का भविष्य अंधकार में दिखाई देता है और सरकार आए दिन, प्रत्येक दिन यहाँ पे नए नए लूट और घोटालों का एक कांड और उद्योग स्थापित कर रहे हैं। आज राजस्थान में जब से भ्रष्ट कांग्रेस की गहलोत सरकार आई है, 17 बार परीक्षाओं का पेपर लीक होना मुझे लगता है कि नौजवानों के भविष्य के साथ छलावा है, जिस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं होना, जिसमें कांग्रेस के नेताओं का हाथ होना, जिसको आज सरकार बचाते हुए नजर आ रही है। इसलिए विद्यार्थी परिषद ने तय किया है वीरांगनाओं के सम्मान के लिए, नौजवानों के लिए रोजगार के लिए और बहन बेटियों के इज्जत के लिए। चूंकि राजस्थान के अंदर में जब से सरकार आई है 5,000 से ज्यादा प्रत्येक वर्ष बहनों का बलात्कार इस प्रदेश के अंदर में हो रहा है, इसलिए राजस्थान के भावी नौजवानों के भविष्य को लेकर के आज राजस्थान सोई हुई भ्रष्ट सरकार को जगाने के लिए जब हम 7 सूत्री ज्ञापन लेकर के जा रहे हैं, तो वर्दी की गर्मी दिखा करके आज नौजवानों को उनके साथ जिस प्रकार से व्यवहार राजस्थान पुलिस कर रही है, ये संवैधानिक अधिकारों का हनन है। ये संवैधानिक अधिकारों का कहीं ना कहीं आज राजस्थान की पुलिस के द्वारा धोखे से और एक डंडों के सहारे से लाठी के साथ जिस प्रकार से बर्ताव किया जा रहा है, हम इसका विरोध तब तक करते रहेंगे जब तक राजस्थान के नौजवानों को न्याय नहीं मिल पाता है। और एक सवाल और आपसे ये भी है कि जिस प्रकार से एक साल पहले संघ के निम्बाराम जी के खिलाफ जो षड्यंत्र रचा गया था, आज उसका भी पटाक्षेप हो चुका है, उन्हें कोर्ट की तरफ से बेकसूर उन्हें साबित किया गया है, इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, राजस्थान सरकार झूठ पर आधारित सरकार है। राजस्थान अपने नाकामियों को बचाने के लिए कांग्रेस की सरकार संघ के अधिकारियों को टारगेट करना चाहता है, लेकिन हमको बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में भरोसा है, हमको न्यायालय में भरोसा है। और आज न्यायालय ने जो न्याय दिया है आदरणीय निम्बा जी के, राम जी के ऊपर में जो आरोप लगाने का कांग्रेस ने प्रयास किया था, कांग्रेस के गाल पर तमाचा है कि आप किस प्रकार से निम्न स्तर पर आकर के झूठ और फैब्रिकेटेड विषय लाने का प्रयास करते हैं। कोर्ट ने आज चाटा मारा है, शर्म है मुख्यमंत्री को, तो इस्तीफा देना चाहिए। एक सवाल और आपसे ये है कि जिस प्रकार से भले ही बेरोजगार हो, डॉक्टर्स हो, पत्रकार हो और आप छात्र लोग हैं, आज सभी के सभी आज सड़कों पर है सरकार के खिलाफ में। कल जो धरती के भगवान कहे जाते हैं डॉक्टर्स, उन पर भी लाठियां भांजी गई हैं। कांग्रेस की इतिहास रहा है, कांग्रेस ऐसी पार्टी रही है जो लोकतंत्र को लाठियों के दम से दबाना चाहती है, लेकिन राजस्थानी लोग, राजस्थानी की मिट्टी ऐसे नपुंसक सरकार के खिलाफ आज पूरा राजस्थान सड़क पर है। मुझे लगता है आज पूरा देश देख रहा है कि राजस्थान सरकार भ्रष्टतम सीमा को पार कर चुकी है। राजस्थान सरकार के पास न कोई मर्यादा है, न कोई मान्यता है, न संविधान में इनको भरोसा है, क्योंकि इनकी आका और संविधान सोनिया गांधी है। ये सोनिया गांधी के आधार पर भारत के जो मौलिक डेमोक्रेसी है उसको गला घोटने के लिए प्रयास कर रहे हैं। आज पूरा जयपुर सड़क पर है, डॉक्टर सड़क पर है, समाज सड़क पर है, नौजवान सड़क पर है, लेकिन सरकार भ्रष्टाचार में मशगूल है और गहलोत को नौजवानों की चिंता नहीं है, गहलोत सरकार को सिर्फ वैभव सिंह के भविष्य की चिंता है। ये शर्मनाक परिस्थिति, दिल्ली में सोनिया को राहुल की चिंता है, जयपुर में अशोक गहलोत को वैभव गहलोत की चिंता है। नौजवानों की चिंता से दूर सरकार को उखाड़ फेंकना ही नौजवानों का उद्देश्य होना चाहिए।
जिस प्रकार से आपने देखा कि एबीवीपी के तमाम ये छात्र हैं जो आज गहलोत सरकार के खिलाफ आज सड़कों पर है और इनकी मांग है कि भले ही डॉक्टर्स का मुद्दा हो, पत्रकारों का मुद्दा हो, बेरोजगारों का मुद्दा हो या फिर वीरांगनाओं का मुद्दा हो, हर उस मुद्दे पे आज ये कांग्रेस सरकार को घेर रहे हैं, अपनी मांगे मनवाने को आतुर हैं। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जब तक हमारी मांगे नहीं मान ली जाएंगी हम यहाँ से नहीं हटेंगे। सहयोगी अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।